और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह बाजवा का परिवार जब वोट डालने पहुंचा था तो उन्होंने भी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखे किस तरह से पीछे किया और पहले खुद वोट डाला। प्रताप सिंह बाजवा वहीं खड़े हैं, उनकी पत्नी ने इन बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे किया। आनंद प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आनंद, ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है, अगर शायद कैमरे में कैद ना होता तो इस तरह की हरकत शायद सामने भी ना आ पाती। किस तरह से जो लाइन में लोग खड़े हैं उन्हें पीछे कर दिया? बिल्कुल, जाहिर तौर पे हम पुराने अगर इमेजेस की बात करें, पुराने विजुअल्स की बात करें तो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को हमने देखा है कि घंटों कई बार वो लाइन में खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन उसी पार्टी के नेता ऐसी हरकत करते हैं कि वो जाते हैं तो उनके लिए इस लाइन और नियम कहते हैं, चुनाव वाले को सब धत्ता बताते हुए वो लोग खुद सबसे पहले आके लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि उनसे पहले जो लोग आए हुए हैं वो उनसे पहले आए हुए हैं वो बुजुर्ग हैं महिला, ये भी नहीं देखते। और अपनी पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोग सबक नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये कहने की पार्टी को देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि सोनिया गांधी कितनी बार, हमने देखा कि सोनिया गांधी अगर आती है एसपीजी की सुरक्षा होने के बावजूद भी वो लाइन में खड़ी रहती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में घंटों इंतजार किया था तब जाकर उन्होंने वोट दिया था। तो जाहिर सी बात है जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव के नियम है, उसका पालन पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता तो करते हैं लेकिन दूसरे नेताओं की बात करें तो उन्हीं नियमों को धत्ता बताते हैं। जी, और प्रकाश सिंह जो बाजवा है वो वहां के सिटिंग एमपी है और वहाँ के सांसद हैं, वो अच्छी तरह ये भी शायद समझ रहे थे कि कैमरे वहाँ पर हैं तो उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं लेकिन एक हाथ का इशारा करते हुए सिर्फ उस बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे खींच लिया, ये जानते हुए कि कैमरे इन तस्वीरों को कैच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बाजवा वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ये भी हो सकता है उनके मन में ये हो सकता है कि हम जल्दी से अपना वोट दें और उसके बाद बाकी इलाके में जाकर जो बाकी बूथ है वहां जाएं, वहां के लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें वोट डालने के लिए, जो हर कैंडिडेट करता है। लेकिन ऐसे का आप जाते हो, आप तुरंत जाओगे, आप चाहोगे कि आप लाइन नियम जो आप सबको ताक पे रख दो और आप कहें कि बुजुर्ग भी हैं महिलाएं भी हैं उनकी आप परवाह नहीं करते, खुद आप पहले जाकर वोट डालते हो तो जाहिर सी बात है बाजवा को अच्छी तरह मालूम था कि कैमरे उनको कैद कर रहे हैं, उनको वोट देते हुए कैमरे भी कैद कर रहे हैं जब से लाइन में लगे थे तब से, बावजूद कि उन्होंने ऐसा काम किया। हो सकता है उनको जल्दबाजी होगी लेकिन जल्दबाजी एक बहाना नहीं हो सकती नियमों को धत्ता बताने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आनंद, और वहां के गुरदासपुर से सांसद हैं, इस बार चुनावी मैदान में उनके खिलाफ विनोद खन्ना है।